इसमें लहनान रहम मैं मैं मोहम्मद सलमान आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर आज की जो वीडियो है वो है क्लास नाइन्थ की फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन कवर कर रहे हैं तो इन इस वीडियो में कुछ करेंगे पूरी एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चन थ्री के आगे ऑनवर्ड कवर हो जाए सही है तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करें फैक्ट्राइजेशन की पूरी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी में इससे सवाल लाजमी आता है एग्जाम में सही तो क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट लिखा हुआ है plus 12AB plus सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना जरूरी है जिसमें से आपके पास स्क्वायर ऑफ़ नंबर आपको ये याद होने चाहिए स्क्वायर ऑफ नंबर जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट कम कम से 15 number के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए तो वन का स्क्वायर होता है टू टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी का थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एटी वन हंड्रेड वन ट्वेंटी वन वन फोर्टी फोर वन सिक्सटी नाइन वन नाइनटी सिक्स टू ट्वेंटी कम से कम ये पंद्रह नंबर के आपने स्क्वायर को याद रखना है तब जाके आप सवाल को फ़ौर पहचान सकते हो कि ये फार्मूले का है या नहीं तो स्क्वायर में से कोई भी नंबर नज़र आ जाए इसका मतलब है कि स्क्वायर के फार्मूले लगेंगे अगर स्क्वायर के नंबर नज़र ना आए तो क्यूब के नंबर दिमाग में ले आओ अगर क्यूब के नंबर हैं तो क्यूब का फार्मूला अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कॉमन वाला ही स्टेप होगा सवाल में ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट्राइजेशन में आसानी हो जाएगी अगर ये याद हो जाए उसके बाद आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अब देखो स्क्वायर बन रहा है ये फोर और नाइन बी स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पर आपके पास फार्मूले यूज़ होंगे फार्मूला जो आपके पास यूज़ हो रहा है यहाँ पर कौन सा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको इस तरीके से वैल्यू दी हुई है आपने फार्मूले में क्लोज करनी है तो ये हो जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर सही कोई भी फार्मूले का सवाल हो उसको सॉल्व करने की एक बेसिक ट्रिक है क्या है बेसिक ट्रिक फॉर्मूले को पहले तो आपने याद रखना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर आपने ब्रैकेट्स बनाने हैं ए और बी की जगह तो देखो ए स्क्वायर था इसलिए मैंने एक ब्रैकेट बना दिया फिर फॉर्मूले में होता है टू ए बी तो टू लिखा जाएगा ए और बी के लिए ब्रैकेट फिर बी स्क्वायर का मतलब बी पे स्क्वायर सही है तो ये आपके तीन वैल्यूज ही स्क्वायर में आ गई आगे बढ़ते हैं ए किसका स्क्वा टू ए का नाइन बी किसका है थ्री बी का तो जो स्क्वायर की वैल्यू थी वो दो जगह लिखी यही दो वैल्यूज बीच के बचे हुए दो ब्रैकेट में आएगी तो टू ए और 3B, सही? तो यह आपके बाद ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी आपने फॉर्मूला कंप्लीट देख लिया आपने क्या करना है अब इसको सिर्फ फॉर्मुले में क्लोज करना है तो फॉर्मूले की क्लोज पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका मतलब पहली वैल्यू लिखनी है टू ए फिर प्लस की साइन फिर बी सेकंड वैल्यू क्या है थ्री बी वो लिखनी है और बार लगा देना स्क्वायर ये आपका आंसर सही तो ये पहला पार्ट था जिसको सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया आपको पार्ट नंबर टू पे आते हैं सही सारे के सारे पार्ट एक ही जैसे हैं मैं एक और पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दिया थर्टी सिक्स एक्स थर्टी सिक्स एक्स फोर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस वन आपने सवाल को देखते ही देखा कि थर्टी सिक्स इसका स्क्वायर है सिक्स का और वन वन का स्क्वायर है यहाँ पर मैंने वन का स्क्वायर वन लिखना था टू लिख दिया और वन सही है तो ये दो स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं तो आपने सॉल्यूशन क्या करना होता है फार्मूला लिखना होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट होते हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर सही है ये आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया आगे बढ़ते हैं तो ये थर्टी सिक्स किसका स्क्वायर है सिक्स का यहाँ पर एक्स फोर है बाहर आपने टू पावर रखी तो अंदर ऐसी पावर रखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके टू के साथ फोर बन जाए तो यहाँ टू पहले से दिया हुआ है एक और वैल्यू रखेंगे तो टू टू ज फोर बनता है सही अगर यहाँ सिक्स होता तो बाहर टू रखते तो अंदर थ्री रखते हैं तो थ्री टू जिक्स होता है वन का स्क्वायर वन यही दो वैल्यू सिक्स एक्स स्क्वायर और वन आपकी दोनों साइड आ गए सही तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है तो पहली वैल्यू है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल्स आपका आंसर आ गया सही तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेप के अंदर सॉल्यूशन करना है सारे सवालों का, तो तो। का तो फर्क क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर और फोर के अंदर यहाँ प्लस का फॉर्मूला है और यहाँ माइनस का फॉर्मूला है इतना ही फर्क है तो ये आपको सवाल दिया नाइन अपॉन फोर एक्स फोर माइनस टू प्लस फोर अपॉन नाइन एक्स फोर आपने सवाल में आइडेंटिफाई किया देखो ये वैल्यू स्क्वायर की है और ये वैल्यू स्क्वायर की बीच वाली वैल्यू खुद आपकी सॉल्व हो जाती है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट बनेंगे ए स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस का फॉर्मूला टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी नीचे लिख देते हैं तो आपने क्या करना है? अंदर एक्स स्क्वायर बाहर स्क्वायर है इसलिए टू टू या फोर फोर किसका स्क्वायर होता है टू का पहली जगह पे लिख लिया आखिरी ब्रैकेट पे आते हैं ऊपर फोर है तो फोर का स्क्वायर किसका होता है टू का नीचे अब वैल्यू है तो नीचे लिखेंगे तो नाइन थ्री का स्क्वायर है एक्स फोर है इसलिए एक्स स्क्वायर यही वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ये सारी वैल्यू देखो ये कैंसिल हो रही है टू से टू कैंसिल एक टू बज रहा है इसीलिए आपके पास बीच में एक ही टू दिया हुआ है फॉर्मूले में क्लोज करेंगे तो पहली वैल्यू है थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू फिर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस की साइन फिर आपके पास है टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर ये आंसर है

ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है एक्स वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव चेक करना है भाई किसका स्क्वायर है तो मैंने लिखा जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव और यहाँ पर अंडर है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो यहाँ आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ भी जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पर एक्स वाई फार्मूला मेंशन करेंगे फिर बंद करेंगे फार्मूला लिखे बगैर स्टेप करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे ए स्क्वाइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है ए माइनस बी होल ये आपके पास क्या वैल्यू बन गई पहली वैल्यू एक्स वाई और फिर आपके पास जीरो पॉइंट जीरो आंसर सही तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट फाइव हो गया ये अपॉन के सवाल है इन दोनों में से पार्ट फोर आपको समझा देता हूँ सवाल दिया नाइन पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर फोर यहाँ पर नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का बाकी पी प्लस क्यू पे स्क्वायर बना के दिया तो आपने इस तरह लिखना है पी प्लस क्यू लिखा और एक बड़े ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखना है माइनस टू ए भी होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर का सही तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पूरी यही वैल्यू थ्री पी प्लस क्यू फॉर्मूला मेंशन कर देंगे और क्लोज कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहली वैल्यू आपके पास क्या है भाई थ्री पी प्लस क्यू फिर आपके पास बी की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर तो आप चाहे तो राउंड ब्रैकेट बनाओ चाहे तो इस तरह कड़ली ब्रैकेट बनाओ बाहर स्क्वायर फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो थ्री को मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्री पी थ्री क्यू माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर तो ये दोनों तरीके से आंसर दुरुस्त है ऊपर वाला भी लिख सकते हो और नीचे वाला भी सही तो इसके बाद जो पार्ट नंबर फाइव था वो इसी तरह से पार्ट नंबर सिक्स थे वो इसी तरह से तो बचे हुए सवाल आप खुद सॉल्व करो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे जब तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे बेहतर है कि जो सवाल मैंने करा है पहले आप इनको देख लो अच्छे से देख के प्रैक्टिस करो विदाउट uh, देखें इनको प्रैक्टिस करो फिर बचे हुए सवाल की प्रैक्टिस करोगे तब आपसे सवाल सोल्वोंगे वरना नहीं होंगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो आपके पास दो वैल्यूज हैं हर सवाल के अंदर सिर्फ दो वैल्यू थे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अलग है क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर वन आपको दिया हुआ है फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्र तो यहाँ पर भी आप देखो तो आपके पास दो वैल्यू स्क्वायर की ये भी स्क्वायर की है ये भी स्क्वायर तो हमेशा याद रखना जब दो वैल्यू स्क्वायर की हो बीच में माइनस की साइन हो तो आपके पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्मूला यूज होगा सही है जब कभी भी क्या होगा यहाँ पर दो वैल्यूज होंगी स्क्वायर होगा बीच में माइनस तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा ये याद रखना है सही तो आपके पास ये क्या है टू ए का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है थ्री बी का स्क्वायर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक दफा प्लस में लिखना है एक दफा माइनस में लिखना है, है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो तो ये हो जाएगा टू ए प्लस थ्री बी टू ए माइनस थ्री बी आंसर सही है, है ये सवाल भी ऐसा ही है ये सवाल भी ऐसा ही है पार्ट नंबर फोर कराता हूँ मैं तो वन अपॉन हंड्रेड एक्स फोर माइनस हंड्रेड वाई फोर सही स्क्वायर बन रहा है देखो वन अपॉन हंड्रेड एक्स फोर है तो वन अपॉन हंड्रेड मतलब वन अपॉन टेन एक्स फोर है तो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का तो ये एक स्क्वायर बन गया यहाँ पर हंड्रेड टेन का स्क्वायर है वाई फोर है तो बाहर स्क्वायर और अंदर भी स्क्वायर रहेगा सही फॉर्मूला ये आपके पास हो गया one upon X को आप इस तरह भी लिख सकते हो सिंपल एक्स स्क्वायर अपॉन टेन क्योंकि वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा तो एक दफा प्लस में लिखना एक दफा माइनस में तो ब्रैकेट के अंदर की एक वैल्यू ली फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू ली प्लस टेन वाई स्क्वायर एक दफा ये ब्रैकेट प्लस में आया एक दफा ये ब्रैकेट माइनस में आ जाएगा ये आपका आंसर है सही? तो इसी तरह पार्ट नंबर फाइव है और पार्ट नंबर सिक्स है सॉल्व होगा सही तो वन ट्वेंटी वन आपको याद हो गया होगा इलेवन का स्क्वायर है नहीं तो एक और तरीका भी मैंने आपको समझाया इसमें रूट लेके क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी के जैसा है देखो क्या पार्ट नंबर वन को ये दिया टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर में दी हुई पहली वैल्यू फिर टू एक्स माइनस जेड दोनों ही वैल्यू स्क्वायर में दी हुई है बीच में माइनस साइन है तो जब भी भी इस तरह से हो तो फॉर्मूला लगता है तो यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो एक वैल्यू आपके पास ये है एक की जगह ये आपकी एक की जगह है और ये वाली जो दूसरी वैल्यू है वो आपकी बी की जगह है इसलिए दो कलर से हाईलाइट करिए आपको ए तो की जगह लिखोगे या बी की जगह लिखोगे देखो कैसे है? A B है तो पहले आपने लिखा 2X Z. फिर प्लस की साइन अब ये पूरी बी की वैल्यू जो ब्लू से हाईलाइट हुई है टू एक्स माइनस सेट जब प्लस के बाद कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं करते देखो प्लस की साइन के बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखिए माइनस में एक ब्रैकेट बनता है कैसे देखो A है क्या है येल्लो से जो हाईलाइटेड वैल्यू उसको नजर करो फिर माइनस की साइन है माइनस की साइन के बाद एक ब्रैकेट बनेगा वैल्यू में उसके बाद वैल्यू पुट होगी तो वैल्यू क्या है टू एक्स माइनस में पोट होना जरूरी है सही आप टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स प्लस का जेड माइनस का जेड कैंसिल हो गया यहाँ पर टू एक्स प्लस जेड माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस जेड तो साइन सॉल्व हो गई अब देखते हैं टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया आपके पास बच रहा है फोर एक्स और यहाँ पर बचा है जेड सिंगल वैल्यूज है मल्टीप्लाई जब होती है तो इस तरह लिखी जाती है बगैर ब्रैकेट के फोर एक्स जेड तो ये आपका आंसर था इस सवाल का सही है? आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर वन हो गया देखो क्वेश्चन टू भी सेम ही है ये आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर फोर एक जैसा है क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट में करा देता हूँ तो थ्री पार्ट में दिया वन सिक्सटी नाइन एक्स फोर वन सिक्सटी नाइन एक्स फोर उसके बाद माइनस ब्रैकेट में थ्री टी फोर का स्क्वायर सही थ्री टी प्लस फोर सही तो यहाँ पर अगर देखो तो ये वैल्यू स्क्वायर में दी ये बना के नहीं दी आपको एक स्टेप करना है वन सिक्सटी नाइन है थर्टीन का स्क्वायर एक्स फोर है तो यहाँ भी स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर ये वैल्यू स्क्वायर की बना के दी है इसलिए इसको आपने कुछ भी नहीं करना देखो फार्मूला वही लग रहा है जो बार बार लगाते जा रहे हैं इस सवाल में फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपके पास थर्टीन एक्स स्क्वायर एक दफा आया प्लस के बाद ये पूरी वैल्यू थ्री टी प्लस वैल्यू सही है ए माइनस बी ए की वैल्यू थर्टीन एक्स स्क्वायर है माइनस के बाद ब्रैकेट बनता है फिर वैल्यू लिखते हैं थ्री टी प्लस फोर तो ये हो जाएगा थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर यहाँ पर थर्टीन एक्स कोई वैल्यू सॉल्व हो नहीं रही इसलिए आंसर अगर कोई वैल्यू एक जैसी होती सॉल्व होती तो हम सॉल्व करके लिखते हैं सही तो ये था पार्ट नंबर ये पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स को आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है सही बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर आपके पास क्या है कि जैसे यहाँ होल स्क्वायर बना के दिया था ना यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है लेकिन बना के नहीं दिया तो आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्सर प्लस वाई स्क्वायर ये भी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर की है तो जो स्क्वायर की वैल्यूज होती है ना पहले हमें स्क्वायर करना पड़ता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है इनमें से एक पार्ट का चांस एग्जाम में आ जाएगा सही तो आपके पास क्या है ये एक्स का स्क्वायर है प्लस टू एक्स वाई और ये वाई का स्क्वायर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नाइन जेड फोर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है जो भी फॉर्मूला लगाएंगे लिखेंगे जरूर बगैर लिखे फॉर्मूले में नहीं पढ़ोगे आप आगे सही फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर नाइन जेड फोर है तो नाइन किसका स्क्वायर है थ्री जेड स्क्वायर का तो अब देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे थे स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पिछले सवाल में डायरेक्ट इस स्टेप से दे रहा था तो हम आगे सॉल्व कर रहे थे इस सवाल में हमें इस स्टेप को फॉर्मूला बंद करना था फिर सॉल्व करना था तो दो फॉर्मूले हमें लगाने पड़े तो अब यहाँ लग रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई है x तो जहाँ ए नजर आएगा वहां पर क्या रखूंगा एक्स प्लस वाई और जब बी नजर आएगा वहां थ्री जेड सही फॉर्मूले में तो प्लस थ्री जेड तो ए की वैल्यू पूरी लिख दी फिर माइनस की साइन फिर थ्री जेड सही है? तो ये हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया पार्ट नंबर टू देखो यहाँ पर है फोर ए स्क्वायर प्लस एट ए बी स्क्वायर प्लस फोर बी फोर माइनस नाइन सी स्क्वायर इन्होंने ब्रैकेट बना के भी दिया आसानी के लिए कि इससे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है देखो four किसका स्क्वायर टू ए का ए था इसलिए अंदर पावर नहीं आएगी फिर आपके पास किसका स्क्वायर है फोर बी का किसका है टू बी का स्क्वायर फोर पावर है इसलिए दोनों जगह स्क्वायर प्लस साइन है इसलिए प्लस का फॉर्मूला टू ए बी यहाँ पर आएगा टू ए और यहाँ पर टू बी स्क्वायर लिखोगे सही फॉर्मूला बंद हो गया इससे हो तो जाएगा टू ए प्लस टू बी स्क्वायर होल स्क्वायर में और यहाँ पर नाइन सी स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है थ्री सी स्क्वायर अब देखो अगेन फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी आपके पास टू ए प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री सी एक दफा फिर टू ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी एक दफ़ा माइनस में लिखना एक दफा प्लस में आप पहले किसी भी ब्रैकेट को लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता पहले माइनस वाला लिख दो या प्लस वाला लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये दो पार्ट थे इसके अलावा भी पार्ट है क्वेश्चन सेवन के तो देखो अब यहाँ पर भी इसी तरह देखो इस पर फार्मूला क्लोज होगा फिर लगेगा यहाँ पर इसमें फार्मूला क्लोज हो रहा है तो ये दो तो मैं कराता हूँ फिनिशियल पार्ट नंबर थ्री तो सिक्सटीन डी फोर माइनस सी फोर माइनस टू सी स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर सिक्सटीन डी फोर को एज इट इज लिखते हैं इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये डी का स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर का तो यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर डी सही फॉर्मूला क्लोज हो रहा है फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये आपके पास सिक्सटीन डी फोर एज इज लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बंद हो गया सी स्क्वायर पहली वैल्यू माइनस की साइन है और फिर डी का स्क्वायर तो ये डी पे एज इट इज को पावर नहीं है इसलिए डी अंदर लिखा बार डी के ऊपर पावर नहीं होल स्क्वायर की पावर इसलिए आई क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग सही देन आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सही तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी स्टेपीन तो फोर डी फोर है तो अंदर और बाहर दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया तो जहाँ ए नजर आएगा फोर डी स्क्वायर रखूंगा जहाँ बी नजर आएगा सी स्क्वायर माइनस डी रखूँगा यहाँ पर बी की जगह पे दोनों और एक ही जगह पे आपने क्या लिखना है फोर डी स्क्वायर यहाँ पर भी और एक ही जगह देख लो कलर से हाईलाइट कर दिया आपको इजीली समझ आ जाएगा एक ही जगह आपने लिखा फोर डी स्क्वायर फिर प्लस की साइन सी स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद फोर डी स्क्वायर माइनस की साइन के बाद ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे सही बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखोगे तो यह सॉल्व करेंगे ब्रैकेट फोर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी अगले पार्ट को अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इसी तरह के इस फॉर्मूला क्लोज होगा और फिर सिंप्लीफाइड होगा सही है तो इसके चार पार्ट ही करने बाकी ये दो पार्ट अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सही है बाकी ये वाला सवाल तो वैसे भी नहीं करना इस वाले सवाल में आपके पास फॉर्मूला बंद होगा इन तीन से और फिर सॉल्व होगा जैसे पार्ट नंबर सिक्स एहतियातन करवा ले तो इम्पोर्टेंट वैसे एग्जाम में नहीं है इसमें आपके पास ब्रैकेट बना के यहाँ दिए हुए थे दोनों सवालों में ब्रैकेट नहीं बना के दिया तो यहाँ पर आपने पहले माइनस कॉमन लिया उसके बाद बचा वाई स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगी तो प्लस टू वाई प्लस वन ठीक फिर फॉर्मूला क्लोज होगा यहाँ पर वाई प्लस वन का स्क्वायर और ये हमारे पास किसका स्क्वायर है

तो ये वाला सवाल मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा दिया इंपॉर्टेंट काम है लेकिन फिर भी करवा दिया तो यहाँ आके एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन आपके पास कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन नंबर एट भी है लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप उसको अभी नहीं टाइम ज़ाया करोगे सही तो जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं बोर्ड में आ सकते हैं मैं सिर्फ वही अभी करवा रहा हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो क्योंकि टाइम आपके पास बोर्ड के पेपर में फिर कम रह जाएगा सही तो आज की वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू के साथ में मैं हाजिर होऊंगा मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें